हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आज है संडे एंड मैं ये वाला ब्लॉग अपनी किचन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सी ऑल ओवर द प्लेस। एंड आज का जो ब्लॉग है वो मैं लेट हो गया था क्योंकि मैं रात को लेट सोया था, तो मैं सुबह लेट उठा, फिर मैं निकुंज की वजह से उठ भी गया था क्योंकि मुझे पढ़ाने भी जाना था, तो इसीलिए ब्लॉग भी टाइम पर आ गया। तो आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि आज कई जगह जाना है, मतलब कई जगह जाना है, वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा साथ के साथ। तो तब तक मैं अपना प्रोटीन से ही ले रहा हूँ एंड उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। आज तो काम तो बहुत है, ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन शेक से एंड इसके बाद थोड़ा छोटा मोटा सा काम है, बेसिक सा। अभी इतना सेक्सी मौसम हो रहा है कि फिर मैंने प्रखर को कॉल करा, मैंने कहा यार चाय पीने चल रहे, भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो मैं और प्रखर चाय पीने जा रहे हैं, फिर से चाय पियेंगे एंड क्योंकि बारिश पड़ रही है यार, अनएक्सपेक्टेड मौसम था। चाय पीते हैं वहां पे जाके, फिर प्रखर को उठाता हूँ, प्रखर से बात बात करता हूँ थोड़ी सी कि कैसे चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या है क्या सीन नहीं है। प्रखर मिल गया मुझे, प्रखर दिख गया, प्रखर एकदम उदासी भरा चेहरा लेके, क्या बात है, अजीब वैगन नहीं लाया मैं, अजीब वैगन नहीं आई, चाय पीने। और बता प्रखर क्या हाल है? बस बढ़िया यार, आज फिर से ठंड हो गई है, आज फिर से ठंड हो गई, बारिश पड़ गई भयंकर वाली, मौसम हो गया। फिर बिस्तर में लेट रहा था, मैंने तो बुला लिया इसे, क्या कर रहा था वैसे तू? नेटफ्लिक्स कंबल डाल के। हाँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल। अरे अब तो मैंने नेटफ्लिक्स विदाउट चिल। अच्छा, ये बस ह्यूमरस लोग ही समझ पाएंगे। और एक और न्यूज आई थी कि मतलब अब नेटफ्लिक्स कहता कि पासवर्ड शेयरिंग इज, हाँ हाँ वो होगा। अभी जैसे हम मैं हूँ, हाँ। अपना एग्जाम होता, तो हमने भाई ले रखा चार बंदों वाला प्लान, हाँ। तो चारों बंदे पैसे डिवाइड करके चला रहे हैं भाई, तो गरीबी का चल रहा है अभी तो जैसे तैसे। हमारा 650 वाला प्लान है तो चार बंदे डिवाइड करके चला ले रहे हैं उसे। और तो मतलब इससे ये कैसे पता लगता है कि ओनर कौन है? ओनर नहीं होता, मतलब अभी होता क्या, जैसे हमारा 650 वाला प्लान है उसमें चार तुम्हें स्क्रीन मिलती है, तुम एक टाइम पे चार स्क्रीन बंदे उसे लॉग इन कर सकते हो। अच्छा, तो फिर मतलब बेसिकली तुम एक टाइम पे चार बंदे उसे वॉच कर सकते हो। तो अब क्या कर देंगे, वो ये कर देंगे कि तुम एक जना पैसे दे रहा है, हाँ, तो एक ही स्क्रीन पर बंदे, हाँ, के हिसाब, हाँ, से, हाँ, मतलब पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते ना तुम। ऐसा होगा फिर, जो मुझे लगता है कि अगर मैंने लॉग इन कर रखा है उसके बाद अगर तुमने लॉग इन कर लिया ना, तो एक का लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे हॉटस्टार में है, जैसे हॉटस्टार में, बिल्कुल हॉटस्टार की नीति अपना रहे हैं नेटफ्लिक्स वाले। हाँ, नेटफ्लिक्स महंगा है यार, कौन 800 रुपए का, 600 रुपए महीने का देगा। हाँ, पर हॉटस्टार, हाँ, हॉटस्टार तो फिर भी अफोर्डेबल है, 150 रुपए का साल का है वो, तो ये तो महीने का इतने का है, जियो की तरह खेल रहे हैं बिल्कुल, प्रॉपर है ना। लैपटॉप लेना है मुझे, मैं और प्रखर मॉल में आए थे, यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है। मतलब मैं क्रोमा ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लेने के लिए, कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है यहाँ से, मतलब हम देख लेते हैं और चेक वेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, मना भी नहीं करते। वहाँ जाके देखते हैं अंदर जाके कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, वो वाला है या नहीं जो मेरे दिमाग में भी चल रहा लेने के लिए, क्योंकि मुझे मार्च या अप्रैल तक मैं सोच रहा हूँ उसे लेने के लिए। मैंने और प्रखर ने एक लैपटॉप फाइनल करा है, वो किसका है प्रखर, लेनोवो का है? एसर, एसर का है। नाम बताना चाहिए इनको, एसर नाइट्रो सीरीज है, एक एसर की नाइट्रो सीरीज है, मतलब वो अब स्पेसिफिकेशन तो घंटा नहीं पता मुझे, अब आपको पता है जो भी टेक चीजें होती हैं वो उसमें प्रखर ही हेल्प करता है मेरी सारी चीजों में, स्पेशलिस्ट। तो ये मुझे स्पेसिफिकेशन बता रहा था और मैं एकदम ब्लैंक, जैसे चिड़िया उड़ रही हो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे करके, तो मैंने कि भाई मुझे तो मत बता दो स्पेसिफिकेशन, तो बस मुझे इतना बता दे कि मतलब लेने लायक, हाँ, अपन को पैसे देने, स्पेसिफिकेशन घंटा नहीं पता मुझे।
तो हम प्लानिंग कर रहे हैं मार्च या अप्रैल के एंड तक, मतलब वो लैपटॉप लेने की। जैसे हमें वो लैपटॉप मिल जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे, बट हमने एक फाइनल कर लिया है कि अपन को वो ही लेना है। कॉन्फ़िगरेशन पकड़ने फाइनल कर ली, इसने देखा था सारा कुछ। उससे पहले कौन सा देखा, कौन सा कह रहा था मैं तुझे, असूस का वो वीवो बुक कह रहा था, पर इसने कहा कि नहीं यार वो, हाँ मतलब अगर जैसे एडिटिंग करनी है तो गेमिंग लैपटॉप ही, मतलब इसने कहा कि वो ही लेना, जीपीयू होना चाहिए ना, जीपीयू होना चाहिए उसमें, जीपी होना चाहिए, तुम्हें पता मुझे नहीं पता। चलो बाय। मैं आ गया हूँ गार्डन गलेरिया आया हूँ। बोला भी नहीं जा रहा, इतनी ठंड हो रही है। यहाँ थोड़ा काम से आया हूँ, एक के पास उसे थोड़ी बात बात करनी है। मज़े वज़े लेने नहीं आया मैं, कोई पार्टी वार्टी करने, यहाँ अपना काम करेंगे उसके बाद सीधा घर जाएंगे। जो बार बार का नाम होगा मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, किससे मिलना, क्या नहीं मिलना, सब बात है। पहले वहाँ बातचीत, ओके। वहाँ से आ रहा था मैं, मतलब सारा कुछ हो गया था वहाँ पार्टी करने के बाद, देखो पंचर हो गया। पता नहीं ऐसा क्या था, किसकी नज़र लगी, एकदम पंचर हो गया यार। मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम है कि मैं अकेले यहाँ पे खड़े हो गए, बारिश हो रही है एंड बारिश में पंचर बदल रहा हूँ यहाँ पे। जल्दी जल्दी बदलते हैं, देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता यार। देखो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। बारिश भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, दिमाग खराब हो गया सारा, बैड डे हो गया बैड। रुक जाओ, इससे पहले पान और ये रख दूं मैं, अभी टायर कसना है अपन को। टायर कस के फिर रखेंगे, पहले टायर कस लेते हैं फिर होगा सारा कुछ। अब जल्दी जल्दी रखते हैं और निकलते हैं, बहुत देर हो गई अपन को यहाँ पे। अब तो शुक्र है पंचर वंचर आता है थोड़ा बहुत लगाना, इसे भी रखते हैं। रखते हैं यहाँ पे, रात हो गई है बहुत, इसे करते हैं क्लोज। दिख चुका हूँ ऑलमोस्ट, व्हील कैप लगाऊं या ना लगाऊं समझ नहीं आ रहा, व्हील कैप आधा तो नहीं लगाना, व्हील कैप तो ये साले गाड़ी वाले इतनी तेज निकालते हैं कि पूछो मत। लग गया क्या? सो फाइनली गाइस, गाड़ी सक्सेसफुल ठीक हो चुकी है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अकेले था मैं, तकलीफ हो गई, पता नहीं कैसे हो गया था पंचर बता के तो होता नहीं। हम निकलते हैं जल्दी घर, लेट हो गया आज तो। ओके घर पे मिलते हैं हम सीधा, बाय।
ये जो मेरा पहला मतलब आज मेरा पहला कोलेबोरेशन हुआ था विद द क्लब, एंड ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लब के साथ मेरा पहला कोलेबोरेशन होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज़ आपके साथ कि कोलेबोरेशन फाइनली डन हो गया था। मैंने सबसे बातचीत करी थी, एंड जो मतलब वहाँ का बंदा है उसने मुझे सारे को समझाया कि कैसे कैसे इसे हम इनिशिएट करेंगे एंड कैसे कैसे और आगे फर्दर मूव करेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट कोलेबोरेशन। एंड इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का दिन काफ़ी मतलब अनप्रिडिक्टेबल था, तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को, सो दैट वी कैन अचीव आवर टारगेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। योर लव इज़ प्रीशियस, यू नो। ओके, सी यू, बाय।